हेलो नमस्कार दोस्तों ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम ऑल एंड स्टडी एक्व पीसर्स प्लेटफॉर्म दोस्तों आज हम अपनी बायोग्राफी की सीरीज में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी की जीवनी को समझने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी पॉलिटिक्स में आए किस तरीके से वो 2017 में यूपी के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और आज अगर हम 2024 की बात करें तो बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ कल को प्रधानमंत्री मोदी के सक्सेसर भी हो सकते हैं तो ये जो सफर है इनका कि जब इन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट करी फिर 1998 में ये पहली बार मेंबर ऑफ में में पार्लियामेंट बने फिर 2017 में चीफ मिनिस्टर बने और आज ये स्थिति है कि बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं भारत के तो ये सारी चीजें जो हैं आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे पर इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं आप सर्च करेंगे बींगस रेस्टिंग तो आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा साथ ही साथ स्टडी एक्सीएस के संपूर्ण बैच जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं आपके टेंथ ऑफ जनवरी से नया साल आ चुका है बिल्कुल सही टाइम है जहां पर आप दो के एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं इन बैचेस में आप एनरोल हो सकते हैं मॉर्निंग बैच है पर गलती से ओरिजिनल प्राइस मत पे करेगा मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे आर एस लाइव तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा तो इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा तो चलिए फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अर्ली लाइफ की बात करते हैं तो अगर हम योगी आदित्यनाथ जी के रियल नेम की बात करें तो इनका असली नाम अजय सिंह है ये बॉर्न कब हुए थे ये पांच जून उन्नीस को उत्तराखंड में उस समय उत्तर प्रदेश पूरा था तब उत्तराखंड नहीं बना था पर प्रेजेंट डे उत्तराखंड में वो पैदा हुए थे पांच जनवरी उन्नीस को इसके बाद इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी पौरी और ऋषिकेश से इसके बाद इन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री मैथमेटिक्स में कंप्लीट करी बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कॉमेंट्स बताएगा कि आपको क्या पता था कि योगी आदित्यनाथ जी की बैचलर्स डिग्री मैथमेटिक्स में बताइएगा जरूर कमेंट्स में तो इन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री मैथमेटिक्स में कंप्लीट करी थी हेमवती नंदन बहुगुना घरवाल यूनिवर्सिटी से और जब इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली कॉलेज कंप्लीट कर लिया उसके बाद इनकी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट होती है तो पॉलिटिकल जर्नी इनकी उन्नीस सौ छियानवे दैट इज इन दर नाइनटीन नाइनटी सिक्स में स्टार्ट होती है जब ये पहली बार इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज बनाए जाते हैं महंत एवैद्यनाथ के अब अगर हम इनकी बात करें तो ये योगी आदित्यनाथ जी के गुरुजी थे ठीक है पहली बार पॉलिटिक्स में कब आते हैं जब इनको अपने गुरु के इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर इसके ठीक दो साल बाद यानी कि साल उन्नीस में 1998 में क्या होता है 1998 में जब योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जी दैट इज महंत ऐवैद्यनाथ जब ये एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर्ड होते हैं तो इसके बाद योगी आदित्यनाथ को नॉमिनेट किया जाता है कि वो लोकसभा के इलेक्शन लड़े और 1998 में पहली बार मात्र 26 साल की उम्र में मात्र 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ जी मेंबर बनते हैं उस ट्वेल्थ लोकसभा के और उसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 यानी कि पांच बार कंजिक्यूटिवली टर्म्स जो है योगी आदित्यनाथ जी जीतते हैं एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अगर हम उनकी सफर को देखें एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो उनका जो रिकॉर्ड है काफी ज्यादा अच्छा रहा है इन्होंने क्वेश्चन दो क्वेश्चंस पूछे हैं काफी ज्यादा वोकल रहते थे अगर आप इनके वाईटी वीडियोस देखेंगे तो आपको इनको काफी वीडियोस दिख जाएंगे आपके इनके योगी आदित्यनाथ जी को आपको काफी वीडियोज दिख जाएंगे जहां पर वो यूट्यूब पे या लोकसभा में काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर हम डिबेट्स की बात करें तो डिबेट्स में भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे और इनकी अटेंडेंस भी काफ़ी ज्यादा अच्छी थी थीवेंटी सेवन सॉरी सेवेंटी के अराउंड इनकी परसेंटेज थी अटेंड सॉरी अटेंडेंस परसेंटेज थी जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है फिर क्या होता है फिर आता है साल 2017 2017 में भाजपा जो है वो बहुत सालों बाद पूर्ण बहुमत से जीतती है उत्तर प्रदेश को और अब जब इलेक्शंस हो गए मार्च 2017 में तब सबसे बड़ा जो सवाल ये था वो ये था कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर किसे बनाया जाएगा और बहुत कम लोगों की उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के पर हुआ क्या हुआ ये कि मार्च 2017 में अनाउंस किया गया कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन होंगे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होंगे योगी आदित्यनाथ जी अब देखिए जब योगी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो बहुत लोगों के पॉलिटिकल जो पोलिटिकल एक्सपर्ट उनके बहुत से मिक्स रिव्यूज थे कुछ लोगों का मानना था कि बहुत बोल्ड डिसीजन है बहुत अच्छा डिसीजन है और कुछ लोगों का यह मानना था कि यह डिसीजन जो है वो शायद भारतीय जनता पार्टी कर सकता है पर ऐसा नहीं हुआ 2017 2017 का इन्होंने दो हजार सत्रह का ये रिकॉर्ड बनाया है कि कोई चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का वापस से अपने पावर को रिटेन कर सका तो पांच साल में इन्होंने क्या क्या किया जिस वजह से 2022 में योगी आदित्यनाथ जी फिर से जीत गए तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया वो ये था कि लॉ एंड ऑर्डर देखिए अगर हम यूपी की बात करें तो इमेज बनती थी कि यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है जो कानून व्यवस्था है ना वो बहुत अच्छी नहीं थी तो सबसे पहले फोकस इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे किया आप सबको याद होगा कि 2017 के राउंड जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे योगी आदित्यनाथ जी तो जो भी स्टूडेंट्स एस उस वक्त यूपी में होंगे उनको ये याद होगा कि एंटी रोमियो स्क्वाड निकाला था ठीक है इसके बाद एनकाउंटर्स बहुत हुए थे तब देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी रही है ना ये आ, बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ भी हुई है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया बहुत से लोगों का मानना है कि एनकाउंटर जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है ये अच्छा चीज़ है अच्छा फैसला है क्योंकि जुडिशरी के माध्यम से जो पनिशमेंट होती है उसमें बहुत समय लग जाता है तो एनकाउंटर एक अच्छा वे है बट वहीं बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि एनकाउंटर जो है ये अच्छी बात नहीं है जो सज़ा है ये प्रॉपर जुडिशियल वे में ही होनी चाहिए तो ये अब आपका मैं ओपिनियंस पर जाना चाहूँगा कि आपका इंकाउंटर्स पे लेकर

गाजियाबाद की बात कर लें मेरठ की बात कर लें हापुड़ की बात कर लें अलीगढ़ आगरा मथुरा मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में वहां पर इन्वेस्टमेंट्स आई चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो क्यों क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो चुका था साथ ही साथ 2018 में जो सैमसन है ठीक है जो सैमसन है उसकी फैक्ट्री नोएडा में सेटअप करी गई थी उस चीज को इनोग्रेट किया गया था साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो और उसके साथ भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी थे तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव थे ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव थे जिनकी वजह से जो योगी जी की पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ती चली जा रही थी फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया हाईवेज बनाए गए एयरपोर्ट्स बनाए गए फिल्म सिटी बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है ठीक है नोएडा में ही प्रोजेक्टेड है कि फिल्म सिटी बनेगी इसी के साथ साथ गवर्नेंस जो गवर्नेंस है वो बहुत अच्छी

साल दो 20, साल दो तक वहीं फिर जब कोविड आया जब कोविड आई तो कोविड के टाइम पर जो मैनेजमेंट हुआ था 2020 में फर्स्ट वेव की बात हो रही है जब मैनेजमेंट हुआ था तो उस मैनेजमेंट को प्रेस किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हालांकि जब 2021 में सेकेंड वेव आई थी हालांकि जब 2021 में सेकेंड वेव आई थी तब यूपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया गया था क्योंकि बहुत से केसेस बढ़े गए थे ठीक है बहुत से केसेस यूपी में आए थे ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी हुई थी वो एक ऐसा मंजर है जो हम नहीं याद करना चाहेंगे बट कुल मिला के अगर हम बात करें ठीक है अगर हम कुल मिला के बात करें कि दो से लेकर दो तक लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया गया उससे क्या हुआ कि एक ईको का इन्वायरमेंट सेटअप हुआ जिसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आई साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया गया कि यू नो सैमसंग का आपका जो लार्जेस्ट स्मार्टफोन फैक्ट्री वो सेटअप की गई फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया हाईवेज एयरपोर्ट्स फिन सिटी फिर गवर्नेंस पे काम किया गया इकोनॉमिक वे पे काम किया जा रहा है कि एक ट्रिलियन इकोनॉमी किस तरीके से बनी जाए तो इन सब के वजह से दो में जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए तो योगी आदित्यनाथ जी सक्सेसफुली अपनी पावर को रिटेन कर लेते हैं और ये रिकॉर्ड बनाते हैं कि सैंतीस साल में पहली बार यू पी का कोई ऐसा सीएम है जिसने पावर रिटेन करी है तो ये पूरी पॉलिटिकल जर्नी हमने देखी कि किस तरीके से उन्होंने स्कूलिंग करी फिर उन्होंने ग्रेजुएशन करी किस तरीके से 1998 में वो पॉलिटिक्स में आए किस तरीके से 2017 में वो सीएम बने फिर 2017 में सॉरी 2022 में फिर किस तरीके से वो पावर को रिटेन किए और अब स्थिति यह है कि बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब रिटायर होंगे एक्टिव पॉलिटिक्स से तो उनके सक्सेसर हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी योगी आदित्यनाथ जी को बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि वो सक्सेसर हो सकते हैं अब देखिए इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं सिर्फ समय बताएगा बट चांसेस हैं क्योंकि इनकी जो पॉपुलैरिटी है सीएम योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी है वो यूपी के अलावा बाहर स्टेट्स में भी होती चली जा रही है कि जिस तरीके से गवर्नेंस कर रहे हैं जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जा रहा है तो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है पर अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और है उस तरह क्या और योगी आदित्यनाथ जी क्रिएट कर सकते हैं ये किसी को भी नहीं पता ये सिर्फ समय बता सकता है बट आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि क्या आपको लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते हैं अगर आपको लगता है तो रीजन दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं अभी उनको बहुत काम करना है तो भी अपने थॉट्स और ओपिनियंस कॉमेंट्स में जरूर बताएगा बट रीजन रीजन जो है वो जरूर से साथ में बताएगा तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि स्टडी आईक्यू पीसी के जो संपूर्ण बैचेज हैं संपूर्ण फाउंडेशन बैचेज हैं जिसमें आपको लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज मेंटोरशिशिप इंटरव्यू गाइडेंस डाउट सेशन सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा इसकी जो क्लासेस ये आपकी टेंथ ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो स्टार्ट हो रही हैं चाहे उत्तर प्रदेश हो बिहार हो उड़ीसा हो पंजाब हो असम हो मध्य प्रदेश हो जम्मू एंड कश्मीर हो या हरियाणा हो इन बैचेस में आप एनरोल एनरोल कर सकते हैं गलती से ओरिजिनल प्राइस मत पे करेगा मेरा कोड इस्तेमाल करेगा आर एस लाइव तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं इस सीरीज में आपको और किसकी बायोग्राफी चाहिए अगली बायोग्राफी आपको किसकी चाहिए कमेंट में जरूर बताएगा आई होप सेशन आपको अच्छा लगा है। सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी जरूर से शेयर करेगा तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ जय हिंद जय भारत